हेलो दोस्तों, ये अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इलेक्ट्रिक कार है और इसका सेटअप जो है ना वो 24 वोल्ट की बैटरी सेटअप है, 24 वोल्ट का मोटर है और मोटर की जो पावर है 250 वाट की है पीक पावर। तो अब जो है इसमें जो पहले लगे थे दो पैनल वो करीब 75 वाट के थे, छोटे छोटे मैं दिखा दूँ आपको। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ना, ये दो पैनल लगे थे, ठीक है, 18-18 वोल्ट के, 36 वोल्ट का था सीरीज में और 24 वोल्ट की बैटरी सेटअप था। तो अभी क्या हुआ है कि ये बैटरी ना ये करीब 8-9 साल के आसपास ये बैटरी हो गई है, तो इनकी लाइफ ख़त्म हो गई है। तो इनका जो बैकअप है बहुत कम है, मतलब अगर इसे आप चार्ज करके चलाएंगे तो 1 किलोमीटर के जाते जाते इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जा रही है बहुत ज़्यादा। तो अब क्या था कि अगर 70 वाट का हमारा पैनल था पहले, वो उसके साथ भी दिन अच्छा तब भी नहीं चल पा रहा था। तो क्या करा है मैंने, इसके ऊपर एक 315 वाट का और 38 वोल्ट का, 40 मानिए मोटा मोटा 40 वोल्ट का मैंने इस पर एक सोलर पैनल लगा दिया है जो कि इस बेहतर सेल का है। तो अभी क्या होगा कि अभी हमें बैटरी से कम पावर की ज़रूरत पड़ेगी, तो इससे क्या होगा हमारी बैटरी जो है माइलेज ज़्यादा दे देगी। पहले 1 किलोमीटर था तो अब 2-3 किलोमीटर तक ये चल जाएगी, अगर रोशनी अच्छी होगी तो और भी अच्छे चल सकती है। तो देखिए अभी मैंने लगाया है, ये 40 वोल्ट का आउटपुट देगा सोलर पैनल, ये कंट्रोलर है अपना जो 40 वोल्ट को 24 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के लिए, देखिए 28 वोल्ट ये दे रहा है, चार्ज कर रहा है, ठीक है। इस पर डिस्प्ले नहीं है तो ये लगा रखा है, तो अभी ये 38-39 वोल्ट को कन्वर्ट करके 28 वोल्ट से इनको बैटरी को चार्ज कर रहा है, मतलब एक बैटरी को 14-15 वोल्ट मिल रहा है। और करंट जो आ रही है इससे, ये मैंने देखिए लगा रखा है इसको मेजरमेंट करने के लिए, तो पैनल से करीब 2 एम्पियर करंट अभी मिल रहा है, मतलब अभी करीब करीब 70 वाट का पावर आपको आउटपुट मिल रहा है बैटरी चार्जिंग में। इनपुट तो 80 वाट आ रहा है लेकिन चार्जिंग के समय करीब करीब आपका जो है 70-75 वाट का जा रहा है। तो अब इसे हम क्या करेंगे, चला के देखेंगे। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जो है सोलर पैनल लगाना फ़ायदेमंद तो है लेकिन उसकी पावर बहुत कम रहेगी क्योंकि एफिशिएंसी जो है पैनल्स की कम होती है। तो देखिए 315 वाट के पैनल में ही हमारा ये पूरा व्हीकल कवर हो गया है, ये पुराना पैनल है, अभी नया होगा तो छोटा होगा, सेम साइज़ का सेम पावर का। तो इलेक्ट्रिक, एक और बात है कि छत पे लगाने पे ना गाड़ियों के इसका जो एंगल है ना पैनल्स का वो हमेशा क्षैतिज रहता है, हॉरिजॉन्टल रहता है, तो वो प्रॉपर रेडिएशन को ये ब्लॉक नहीं कर पाता है, तो उतना अच्छा आउटपुट को नहीं देगा जितना कि आपके जो पैनल्स ये लगे हुए हैं एक एंगल पर, जितना अच्छा वो काम करेंगे उतना अच्छा ये काम नहीं करेगा। लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ पावर आपकी बैटरी में वो ऐड करेगा, आपका माइलेज जो है वो बढ़ाएगा। तो ये बैटरी मान लीजिए बिल्कुल डेड ही है, ठीक है, तो अभी हम आपको चला के दिखाएंगे ये कि कैसे जो हमारा सोलर पैनल के आउटपुट से ये हमारा मोटर जो है चल पाएगा और बैटरी थोड़ी थोड़ी पावर देती रहेगी। तो आइए चलाते हैं। ये अभी करंट आ रहा है 2 एम्पियर्स, ये मैंने इसे यहाँ से ऑन कर दिया और ये चलाते हैं हम लोग। बैटरी बिल्कुल डेड मानी भाई दोस्तों, बस थोड़ा सपोर्ट करेगी कि ये भाई डिस्चार्ज हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो अभी हम चला रहे हैं, देखिए 2.96 एम्पियर, 3 एम्पियर, मतलब हमारा जो अभी देखिए 6 में लोग आ गए, 6 में आते ही हमारी जो करंट है कम हो गई है और बैटरी इसकी स्पीड भी गाड़ी की कम हो गई है। तो जब अब हम लोग क्या करेंगे, जब धूप में जाएगी फिर दोबारा देखिएगा आप लोग। अभी दे रही है हमें करीब 30-40 वाट, अभी हमें रोशनी बढ़ा रही है, बढ़ रही है, अब 1 एम्पियर हो गया है, अब रोशनी में पहुंच गए हैं। हाँ, देखिए धूप आ गई है, फिर करंट इसका बढ़ गया है 3.5 एम्पियर, मतलब 120-125 वाट तक का पावर वो हमें दे रही है। देखिए अभी 6 में है गाड़ी, 1 एम्पियर, 1.1, मतलब 30 × कर दीजिए आप 35 वाट के आसपास मिल रहा होगा। और अभी गाड़ी हमारी गई रोशनी में, करंट बढ़ गया है 3.3, मतलब करीब करीब 110 वाट 120 वाट, और फिर 6 में जा रहे हैं हम लोग तो फिर करंट कम हो गया है। तो इस तरीके से अगर आप रोशनी रोशनी में चलेंगे तो मैक्सिमम पावर आपको जो है सोलर पैनल से मिल जाएगा, आपकी गाड़ी अच्छी खासी लंबी चल जाएगी। और यदि हमारी बैटरी अच्छी होती तो अभी हमें काफ़ी अच्छी स्पीड मिलती और अच्छा हमें बैकअप मिल जाता,
कि साइडों में हमें बैटरी पावर अच्छी मिल जाती और फिर रोशनी में आते ही हमारी सोलर पैनल से काम हो जाता। तो दोस्तों, सोलर पैनल लगाने से इलेक्ट्रिक व्हीकल में काफ़ी अच्छा आपका माइलेज में इंक्रीमेंट हो सकता है और आपके चार्जिंग टाइम बचेगा, आपका माइलेज बढ़ेगा, तो पैसे कमाई बढ़ेगी और जो ऐसे चलाते हैं अपने चलने के लिए तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा और बढ़िया है। सोलर पैनल लगाना तो चाहिए ही और कुछ दिनों में तो और अच्छे पैनल आ जाएंगे जिनकी एफिशिएंसी अच्छी हो जाएगी, तो वो सेम पावर का पैनल का साइज़ छोटा हो जाएगा। मतलब जितना अच्छा एफिशिएंसी आएगी, अभी तो ये जो पैनल है हमारे पास लगा हुआ है ये, इसकी एफिशिएंसी करीब 15% का है। अब जो आ रहे हैं वो 21-22% के हैं इनका एफिशिएंसी, तो अभी साइज़ उनका छोटा हो जाएगा। तो इसी एरिया में ज़्यादा वाट का पैनल लगा सकते हैं आप लोग। ये 315 का है तो अब 350 वाट तक का भी, 380 वाट तक का पैनल लग जाएगा इसी एरिया में। तो अच्छा है दोस्तों, बिल्कुल काम कर रहा है ये और काफ़ी बेहतर है।